क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। वैसे तो हमारे देश में अनेकों ऐसे गणेश मंदिर हैं जो हमेशा से ही आस्था का केंद्र बने रहते हैं। भारत के उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश के कनिपक्कम में स्थित विनायक मंदिर है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। तो आइए जानते हैं कनिपक्कम विनायक मंदिर के बारे में। आंध्र प्रदेश का कनिपक्कम विनायक मंदिर दूसरे मंदिरों से अलग और अनूठा है। ये मंदिर चोल राजा कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने की थी इसकी स्थापना। मंदिर में लगातार बन रही गणेश जी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति को हर साल पहनाया जाता है नया कवच। नदी के बीचों बीच स्थित है ये मंदिर। भक्तों की भी होती है यहाँ परीक्षा। वैसे तो हमारे देश में अनेकों ऐसे गणेश मंदिर भी हैं जो हमेशा से ही आस्था का केंद्र बने रहते हैं। भारत के उन्हीं चमत्कारी मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश के कनिपक्कम में स्थित विनायक मंदिर है। ये मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चोल वंश ने 11 शताब्दी में करवाया था और विजयनगर के शासकों ने साल 1336 में इसका विस्तार किया। दरअसल बताया जाता है कि कनिपक्कम विनायक मंदिर के गर्भगृह में गणेश की मूर्ति को हर साल नया कवच पहनाया जाता है, पर ऐसा क्यों किया जाता है ये भी एक रहस्य है। जानकारी के लिए बता दे कि गर्भगृह में कई आकार के कवच रखे हुए हैं। लोगों का कहना है कि भगवान गणेश की इस मूर्ति की खासियत ये है कि जैसे जैसे मूर्ति का आकार बढ़ता है वैसे वैसे पुराने कवच छोटे पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि स्वयं भू गणेश यहाँ आने वाले हर वक्त के पाप को हर लेते हैं। आस्था और चमत्कार की ढेरों कहानियां खुद में समेटे कनिपक्कम विनायक का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। मंदिर के अंदर सबको जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अंदर परे कवचों की संख्या देख चमत्कार का अंदाजा लगाया जाता है। इस मंदिर में मौजूद विनायक की मूर्ति का आकार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि प्रतिदिन गणपति की ये मूर्ति अपना आकार बढ़ा रही है। इस बात का प्रमाण उनका पेट और घुटना है जो बड़ा आकार लेता जा रहा है। तो एक और ये भी कहा जाता है, विनायक का एक भक्त श्री लक्ष्मम्मा ने उन्हें 50 साल पहले एक कवच भेंट किया था, लेकिन प्रतिमा का आकार बढ़ने की वजह से अब उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। तब से लेकर अब तक कई भक्तों ने कवच भेंट की है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा के पास कुएं की ओर मुंह कर विनायक की शपथ लेकर लोग आपसी मामलों को भी हल करते हैं। स्थानीय लोगों के लिए यहाँ ली गई शपथ किसी भी कानून या न्याय से बहुत बड़ी है। यही वजह है कि कनिपक्कम सिद्धि विनायक मंदिर की लोकप्रियता दूर दराज तक फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।